तो दोस्तों इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M52 5G स्मार्टफोन और मोटो S20 स्मार्टफोन में और जानेंगे क्या है इन दोनों फोन्स की बेस्ट चीजें, क्या है इनकी खामियां, बात करेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल गैजेट्स पॉइंट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर बात करें दोनों ही फोन्स की बिल्ड क्वालिटी की तो दोनों ही फोन्स में आपको फ्रंट में ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है और बैक साइड जो है वो दोनों ही फोन्स में प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है। सैमसंग गैलेक्सी का फ्रेम आपको प्लास्टिक में देखने को मिल जाता है जबकि मोटो का फ्रेम आपको एल्यूमिनियम में देखने को मिल जाता है। इसका मतलब देखा जाए तो हम मोटो एज को बिल्ड क्वालिटी में विनर कह सकते हैं। दोनों ही फोन्स के वेट की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी में आपको देखने को मिल जाता है 173 ग्राम्स का फोन जबकि मोटो एज फोन आपको 163 ग्राम्स के साथ में आता है। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही फोन्स नॉर्मल वेटेज के साथ में आते हैं। और बात करें अगर फोन की थिकनेस की तो सैमसंग गैलेक्सी में आपको 7.4 mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है जबकि मोटो एज की थिकनेस आपको 7.0 mm की देखने को मिल जाती है। तो दोनों ही फोन्स को हम थिकनेस के मामले में विनर कह सकते हैं। वाटर रेजिस्टेंट का कोई भी फीचर आपको सैमसंग गैलेक्सी में देखने को नहीं मिलता जबकि मोटो एज में आपको IP52 फीचर देखने को मिल जाता है जो कि आपके फोन को छोटे मोटे वाटर डैमेज से बचा पाएगा। डिस्प्ले साइज की बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और सैमसंग गैलेक्सी का डिस्प्ले टाइप आपको फुल HD प्लस सुपर एमोलेड देखने को मिल जाता है और मोटो S20 का डिस्प्ले टाइप फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले के साथ में आता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो हम दोनों ही फोन को यहां पर विनर कह सकते हैं। और बात करें अगर दोनों ही फोन्स की रेजोल्यूशन की तो ये फोन 1080x2400 पिक्सल जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। मतलब कि रेजोल्यूशन के मामले में ये दोनों फोन ओवरऑल परफॉर्म करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी का रिफ्रेश रेट 120Hz है जबकि मोटो एज का रिफ्रेश रेट 144Hz है। तो यहाँ पर रिफ्रेश रेट के मामले में मोटो एज ही विनर है। दोनों ही फोन्स के अगर बॉडी रेशियो की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 86.4% जबकि मोटो एज का बॉडी रेशियो है 89%। तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के मामले में मोटो एज ही विनर है। प्रोटेक्शन की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी में आपको गोरिल्ला ग्लास V5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है जबकि मोटो एज में आपको V3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। इसका मतलब यहां पर प्रोटेक्शन के मामले में सैमसंग ने बाजी मार ली है। दोनों ही फोन के चिपसेट में आपको स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फोन आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। दोनों ही फोन के प्रोसेसर ऑक्टाकोर के साथ में आते हैं जिसमें पहले चार प्रोसेसर वो आपको 2.4 GHz का सपोर्ट देते हैं और बाकी के चार प्रोसेसर आपको 1.8 GHz का सपोर्ट देते हैं। और यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी फोन दो वेरिएंट में देखने को मिल जाता है जिसमें जो पहला वेरिएंट है वो आता है 6GB रैम 128GB मेमोरी के साथ में और जो दूसरा वेरिएंट है वो आता है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में। बात करें अगर मोटो S20 की तो वो फोन आपको सिर्फ एक वेरिएंट में देखने को मिल जाता है जिसमें वेरिएंट है 8GB रैम 128GB मेमोरी। दोनों ही फोन की स्टोरेज को आप मेमोरी कार्ड के थ्रू 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें जो मेन कैमरा है वो है 64MP का और अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो है 12MP का और जो मैक्रो कैमरा है वो भी है 5MP का। साथ ही साथ आपको फोन में LED फ्लैश का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और वहीं बात करें दोस्तों अगर मोटो H20 के ट्रिपल कैमरा सेटअप की तो उसमें आपको जो मेन कैमरा है वो मिल जाता है 108MP का और टेलीफोटो कैमरा वो 8MP का और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो है 16MP का। तो मतलब कि यहां पर मोटो ने एक दमदार कैमरा सेटअप आपको इस फोन में प्रोवाइड करवाया है। कैमरा सेटअप के मामले में मोटो एज ही यहां पर बाजी मारता हुआ दिख रहा है। दोनों ही फोन से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं विद 30 फ्रेम पर सेकंड लेकिन मेजर डिफरेंस हमें यहां 1080p रेजोल्यूशन में देखने को मिल जाता है क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी जो कि हमें 1080p रेजोल्यूशन पे 30 और 60 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो रिकॉर्ड करने का सपोर्ट देती है जबकि मोटो S20 हमें 1080p रेजोल्यूशन में ही 30, 60, 120 और 240 FPS का सपोर्ट देती है। दोनों ही फोन्स में आपको स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए सैमसंग गैलेक्सी ने हमें यहां पर EIS टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई है जबकि मोटो एज ने हमें यहां पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई है। तो स्टेबलाइजेशन के मामले में यहां पर मोटो S20 ने भी बाजी मार दी है। दोनों ही फोन्स में फ्रंट कैमरा आपको 32MP का देखने को मिल जाता है जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों ही फोन में 1080p रेजोल्यूशन
रेजोल्यूशन पे 30 फ्रेम पर सेकंड पर कर सकते हैं। और बैटरी की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी में 5000 एमएएच की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जबकि मोटो एज में हमें 4000 एमएएच की बैटरी देखने को ही मिलती है। मतलब कि बैटरी के मामले में यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी नंबर वन है। सैमसंग गैलेक्सी में हमें 25 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और मोटो एस 20 में हमें 30 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। तो फास्ट चार्जिंग के मामले में यहाँ पर मोटो एस 20 ही बेस्ट है। वायरलेस चार्जिंग हमें दोनों ही फोन्स में देखने को नहीं मिलती है। दोनों ही फोन्स यहाँ पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं और यहाँ पर हमें इन दोनों फोन्स में 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है। सिक्योरिटी के लिए दोनों ही फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ फोन में आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी का हमें 6GB 128GB वेरियंट 26,999 रुपए में देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ बात कर ले अगर दूसरे वेरियंट की, जो की है 8GB 128GB स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग है 28,999 रुपए। और मोटो एस 20 की 8GB 128GB वेरिएंट की कीमत है 29,999 रुपए। तो दोस्तों, मैं अगर इन दोनों फोन्स में से किसी एक फोन की तरफ जाना चाहूंगा तो वो ऑफ कोर्स मोटो एस 20 है, क्योंकि इस फोन में हमें 108 मेगापिक्सल का एक बड़ा कैमरा देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ वाटर रेजिस्टेंस और एल्यूमिनियम फ्रेम होने के कारण ये फोन को और भी ज्यादा बेहतर बना देते हैं। और इस फोन का 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आना एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।